जय माता दी दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ एक विशेष वीडियो साझा करने जा रही हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि नवरात्रि के 9 दिन आप माता रानी को कौन सा 9 भोग प्रसाद में चढ़ा सकते हैं जो कि उन्हें विशेष पसंद है, क्योंकि नवरात्रि जो है सो वो अब आरंभ होने वाली है और नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और पूजा के साथ साथ उन्हें 9 अलग तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो कि उन्हें विशेष पसंद है। तो वो प्रसाद आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 9 दिन जो हम प्रसाद तैयार करेंगे वो किस तरीके से तैयार करेंगे और माता रानी को चढ़ाएंगे ताकि माता रानी को हम अच्छे से प्रसन्न कर पाए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से 9 दिन अलग अलग तरीके का जो प्रसाद है वो माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन भगवान शिव शंकर की प्रथम पत्नी माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन इन्हें घी का भोग लगाया जाता है जो कि उन्हें विशेष पसंद है। तो घी के भोग में या तो आप गाय का शुद्ध घी का भी भोग माता रानी को चढ़ा सकते हैं या फिर घी से कोई भी मिठाई या फिर हलवा वगैरह बना करके भी माता रानी को आप चढ़ा सकते हैं। इससे भक्तों के समस्त रोगों का अंत होता है और भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है जिन्हें की सफ़ेद मिठाई पसंद है, चीनी पसंद है और शक्कर पसंद है। तो मिठाई तो आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं, शक्कर और चीनी भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर शक्कर और चीनी से आप कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई बना करके माता ब्रह्मचारिणी को चढ़ा सकते हैं जो कि उन्हें विशेष पसंद है, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को जो सफ़ेद रंग होता है वो बहुत ही पसंद आता है। तो ये जो प्रसाद होता है वो चढ़ाने से भक्तों की जो उम्र होती है वो लंबी होती है, उनकी आयु में वृद्धि होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या फिर खीर चढ़ाया जाता है। मिठाई या फिर खीर चढ़ा करके आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं और उसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। इससे जो होता है दुखों का अंत होता है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है जिन्हें की मालपुआ का भोग लगाया जाता है। मालपुआ माता कुष्मांडा को विशेष रूप से पसंद आता है और मालपुए का भोग लगाने से भक्तों की जो बुद्धि होती है उसमें विकास होता है। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस दिन उन्हें केला का भोग लगाया जाता है। तो आप केला का भोग ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर केला से आप कोई भी प्रसाद बना करके माता स्कंद माता को भोग लगा सकते हैं। इससे जो होता है भक्तों का जो शरीर की परेशानियां होती हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी वो हमेशा उनसे दूर रहता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और उन्हें शहद और पान का भोग लगाया जाता है। तो आप शहद को भी ऐसी तरीके से माँ कात्यायनी को भोग लगा सकते हैं या फिर शहद से आप कोई भी प्रसाद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप सेब का या फिर नारियल का या फिर आलू का किसी भी चीज का हलवा बना सकते हैं और उसमें शहद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो होती है शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ और नींबू का भोग लगाया जाता है। तो गुड़ से आप कोई भी प्रसाद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि गुड़ की खीर आप तैयार कर सकते हैं, गुड़ को डाल करके आप कोई लड्डू बना सकते हैं या फिर बर्फी बना सकते हैं और नींबू को काट करके आप ऐसे ही माँ कालरात्रि को भोग लगा सकते हैं। इससे जो आकस्मिक हादसे होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और उन्हें नारियल का जो भोग होता है वो बहुत पसंद आता है। तो नारियल से आप नारियल की खीर बना सकते हैं या फिर नारियल के लड्डू बना सकते हैं। माँ गौरी की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है जिन्हें काला तिल और अनार विशेष तौर पे पसंद आता है। तो अनार आप ऐसी तरीके से माता रानी को भोग लगा सकते हैं और काले तिल से या तो आप लड्डू बना सकते हैं या फिर आप उसकी पट्टी बना सकते हैं। तो ये सारी जो भोग होती है वो माता रानी को चढ़ाई जाती है। तो सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से जो अकास्माय आमे भय हो जाता है मृत्यु का, उससे हमें राहत मिलती है और हमें
मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। तो इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उन्हें काला तिल और अनार का भोग लगाया जाता है। तो ये 9 प्रसाद है जो माता रानी को विशेष रूप से पसंद आते हैं उनके 9 दिन। और इन प्रसाद को किस तरीके से तैयार किया जाता है इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रसाद का जो फोटो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने ये 9 दिन 9 कौन कौन से प्रसाद तैयार किए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वो वीडियो देखना है तो आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। जय माता दी।